फोकस नहीं रखेंगे। तो याद रखो, हम अब्राहम के वंश हैं, प्रतिज्ञा के वारिस हैं, लेकिन हमें चलना भी अब्राहम की तरह पड़ेगा, लूत की तरह नहीं। लूत कैसे चला? आंखों से। उसने देखा हरी सिंचाई हुई जगह, कहता यह जगह मुझे चाहिए, चला गया। और वहां पे जब मालूम हुआ कि सदोम के लोग रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं, पापी लोग रहते हैं, कहता अब रोज लूत अपने मन को पीड़ित किया करता था। जैसे लोग बोलते हाय काश ना मैं प्रे कर सकती, हाय काश मैं, लेकिन पीड़ित किया करता था। पर भाई साहब कर दे कुछ नहीं, हां क्या हो गया, पैसा नहीं होगा कुछ तो छोड़ दो सदम को। नहीं नहीं मेरे में पूरा कंट्रोल है जी, मैं पूरा, मैं आप मेरे दोस्त है, दारू पींदे आप मजाल है, हाथ लाया हो। लूत भी यही बोलता था कि सदोम के लोगों की दिनचर्या मेरे पे इफेक्ट नहीं करती, मैं तो प्रभु में खड़ा रहूंगा। पर उसके परिवार को इफेक्ट कर गई वो, उसके बच्चों को इफेक्ट कर गई वो। जब वो चला तो उसके बच्चे उसकी दामाद नहीं माने चलने के लिए, उसकी पत्नी को इफेक्ट कर गई, नमक का खंबा बन गई वो, क्योंकि आंखों से चला। परमेश्वर ने कहा था विश्वास से चलने के लिए, तुम आंखों से चले। अब्राहम जब विश्वास से चला प्रभु ने आशीषित किया, जब शरीर से चला उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब परमेश्वर ने कहा लूत को और वो चला गया कि तू चुन ले, और वो चला गया। उसने अब्राहम को बोलना चाहिए था कि भाई तू मेरे लिए चुन, तू मेरा अगुआ है। लूत, लोगों को यह बात मालूम होनी चाहिए कि हमारा स्पिरिचुअल मेंटर कौन है, चाहे वो इस बात को माने चाहे ना माने। हर चीज लोगों को कॉपी करनी है पर कंपटीशन भी करना है, लेकिन उनको मालूम नहीं स्पिरिचुअल हम उनके मेंटर्स हैं। आमीन। तो मेंटर से ही पूछो क्या करना है, ताकि आने वाले समय में तुम नाश ना हो, परमेश्वर तुम्हें बचा के रखे। अब लूत ने क्या किया, उसकी उसकी पत्नी नमक खंबा बनी, उसकी बेटियों ने गलत वंश पैदा किए और वो श्रापित हुए सदा के लिए परमेश्वर के सामने से। शरीर में चलने का एक बड़ा गलत रिजल्ट है जो बाद में मिलता है, आत्मा में चलने का एक बड़ा प्रतिफल है, एक ग्रेट प्रतिफल है जो बाद में मिलता है। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्लेयर करता हूं इस चर्च के ऊपर, आप ग्रेटली प्राउड फील करेंगे अपने और अपने परिवार के ऊपर जो आने वाले समय में परमेश्वर आपके साथ करने जा रहे हैं। आमीन हो जाए आशीष आपकी, आमीन हो जाए मैंने कहा आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। अब आपने डिसाइड करना है कि आप लूत की तरह चलना चाहते हैं, शरीर में चलना चाहते हैं या आत्मा में चलना चाहते हैं।